एक मेल आया था टैक्स भरने का, तो मेरे हस्बैंड ने वो टैक्स फॉर्म भरा नहीं था है, अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अभी पूजा करने के लिए, और अभी देखो माधव भी आया है पूजा करने के लिए मेरे साथ। और मैं माधव को ना हमेशा पूजा घर में लेके आती हूँ, जिसका वो बचपन से उसका आदत बना रहे पूजा करने में। जब भी मैं पूजा करने जाऊँ वो भी मेरे साथ पूजा करने बैठे, तो मैं उसको एक ना आदत लगवा रही हूँ, जैसे कि वो बचपन से सीखे कि मम्मी कैसे पूजा दे रही है, तो जब मेरी भी कभी ज़रूरत पड़ेगी मैं भी पूजा करूँगा। वैसे वैसे तो मैं उसको पूजा करवाना सिखाऊंगी। और जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो मैं अपने हस्बैंड को भी बुलाती हूँ, माधव को भी बुलाती हूँ, तीन दोनों जने को बुलाती हूँ कि कम से कम दोनों जने आए तो मेरा भी थोड़ा बहुत मन बहल जाए। वैसे मंदिर में ना पूरे फुल परिवार के साथ पूजा करने में जो मज़ा है ना गाइज, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है सीरियसली। तो इधर माधव भी सीख जाएगा, इधर मेरे हस्बैंड भी सीख जाएंगे, और इधर मैं तो सीखी हुई हुई, और इधर भगवान को भी अच्छा लगेगा कि ये लोग फुल परिवार एक साथ मुझे पूजा कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना गाइज। सो देखो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है, हम दो तीनों ने मिल के पूजा कर लिया है, और अभी मैं जला रही हूँ अगरबत्ती। तो ये तो जो घर के एंट्रेंस में मैं जलाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ का जो साइड, ये जो कोना है मुझे बहुत पसंद है, ये निशान कोना है, तो यहाँ पे मैं हमेशा अगरबत्ती देती हूँ। पूजा कर लिया है और बच्चों की भी छुट्टी हो गई है। एक मिनट, मेरा क्लिप आओ। सो बच्चों की भी छुट्टी हो गई, कम से कम 1 बज गया होगा। इसको थोड़ा सा ना साफ कर देती हूँ पानी वानी से, गर्म पानी से। आमंत्रण आश पे आशा कितना खांसी है माधव को, गले में कफ की आवाज आ रही है। इसको रख देते हैं साइड में। माधव, अब मेरे को भी अभी नहाना है। देखो यहाँ पे आया है छठ पूजा का प्रसाद, तो ये रहा छठ पूजा का प्रसाद। काफी कुछ आया है, मिठाई, एप्पल, केला, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने एक मेरी बुआ को बोला था कि बुआ आप ना ये डेफिनेटली मेरे लिए ये भेजना, बहुत पसंद है मुझे ये खाने में। तो अभी माधव सो गया है यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कम से कम 3-4 घंटे बाद ये सो रहा है। और हमारा ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो अभी सिलेंडर यहाँ पे लग रहा है, और सिलेंडर वाले तो ये वाला मोटर का कनेक्शन है, ये वाला है ऊपर का टैंकी का। भात रांधो नहीं, তাই ওই যে গাড়ির উপরে কি প্যান আমারও খাসি হয়ে গেছে। ও বাবা, यहां पे है चाय। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, सीरियसली मजा आ जाता है उनके चाय पी के। है ना प्रसाद, तो इसमें ना पूरी दे रखा है, ये देखो छठ पूजा का प्रसाद है, तो इसमें पूरी दे रखा है। यहाँ पे भी छठ पूजा होता है, और हमारे घर में भी छठ पूजा का प्रसाद आता है। और यहाँ पे देखो मिनी, जो कि इसको मैंने अभी बिस्किट दिया है फिर से खाने के लिए। हेलो बाबा। और यहाँ पे ना, यहाँ पे मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती लगा रखे हैं। मोरे सुसु, और इस रूम में तो आना जाना ना बहुत कम हो चुका है। पैन फैन भी चला रही हूँ। इस रूम में काफ़ी कम हो चुका है आना जाना। कुछ कपड़े हैं गाइस, इस रूम को ना मैंने अपना तहखाना बना के रखा है,
बेड को तो पूरा ही तहखाना समझ लो, अभी तक साफ नहीं किया। और ये मैंने ना एक स्वेटर, ये काफ़ी पुराना है तो इसको मैंने निकाला, ये एक श्रग टाइप का है तो ये मुझे काफ़ी, श्रग टाइप के ड्रेस ना काफ़ी पसंद है मुझे, तो मैंने ये वाला पहना। अभी अभी और भी निकालने पड़ेंगे, ठंड आ गई है गाइज और गला मेरा बहुत ख़राब कर रहा है। तो अभी ना माधव के नाक में लगा उसके गाड़ी से टोपी पे। चलो उल्टा 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 पढ़ाई। माधव को टोपी पहना दिया, चलो बाहर चलते हैं। तो हमारा झालर देखो अभी भी है, दिवाली के एक हफ्ते बाद। माधव माधव देखो बाइक देख रहा है। रोड से बाइक जा रहा है ना, देखना कैसे देखता है। गाड़ी ओ गाड़ी। वेलकम बैक टू माई चैनल विपनिक लाइफस्टाइल। और इनको अभी याद आता है जब मैं मैक्सी पहनती हूँ तब याद आता है ब्लॉगिंग करने का। और देखो गाइज ये बेडशीट इतना गंदा है ना, इसमें मालूम ने सुसु नहीं किया है, इसमें ना पानी थोड़ा सा गिरा था, ये इसने सुसु किया है। देखिए ये और ये ना पानी गिरा है ये, ठीक है यार, ये पानी गिरा है, थोड़ा सा पानी गिरा था और पूरा फैल गया है सोचो। लेकिन अभी जस्ट अभी इसने ये वाला सुसु किया है, लाइव बता रही हूँ मैं, लेकिन ये इसने सुसु नहीं किया है, ये कुछ और ही है। मतलब यहाँ पे शायद दूध गिरा था या फिर पानी गिरा था, दोनों में से एक। तो देखो इतना फैल गया है, ये बेडशीट एकदम बेकार है। मैं सोच रही ये वाला बेडशीट चेंज करके मैं वाले रूम में लगा दूंगी, बहुत बेकार बेडशीट है। और गाइज बहुत एक लफड़ा हो गया है हमारे लाइफ में, बहुत सारा पैसा होल्ड हो चुका है हमारा, तो काफ़ी सारा काम करवाना था हमें तो हमने काम नहीं किया। मतलब एक तो बाथरूम पड़ा है, तो काफ़ी कुछ काम है हमारा बाकी, तो हम नहीं कर पा रहे। हमारा जो पैसा है ना वो काफ़ी होल्ड हो चुका है पैसा, तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ को आता है कि नहीं, अभी मेरे को बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है। देखते हैं अभी, मतलब एक मेल आया था टैक्स भरने का, तो मेरे हस्बैंड ने वो टैक्स फॉर्म भरा नहीं था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा पैसा हमारा क्या कहते हैं, मतलब होल्ड हो चुका है। अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। और हमने सोचा था बाथरूम का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन होल्ड हो चुका है, तो अभी फिर से देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो।